वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मनदीप कौर बनू। आज की जो अपनी वीडियो है वो रिगार्डिंग ओपन वर्क परमिट के रिगार्डिंग है। व्हाट इज़ द ओपन वर्क परमिट? ओपन वर्क परमिट क्या है? काफ़ी लोगों के मन में ये क्वेश्चन हमेशा आता होगा कि कनाडा का वर्क परमिट है तो ये ओपन वर्क परमिट क्या है। ओपन वर्क परमिट ये है कि ऑलरेडी आपका कोई स्पाउस वहाँ वर्क परमिट के काम कर रहा है और मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा वो कर रहा है, तो आपको ओपनली वर्क परमिट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। या कोई स्टूडेंट वहाँ गया हुआ हो और वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर कर रहा हो, नॉट इन ग्रेजुएट, तो उसे भी ओपन वर्क परमिट वहाँ मिल जाता है। तो इसमें आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। तो इसमें LMI की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें आपको अपने स्पाउस के बेस पर ही मिल जाता है। इसमें आपको LMI की कोई ज़रूरत नहीं होती है और ये आप अपने स्पाउस के बेस पर आपको मिल जाता है। अगर ये दो आपकी एलिजिबिलिटियाँ आती हैं जिसमें आप क्वालिफाई हो रहे हो तो ईजिली आपको ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। अब रिसेंटली जो नैनी के या रूल्स चेंज हुए हैं उनमें भी ओपन वर्क परमिट के बारे में बताया गया। वो जो नवंबर 2019 से लागू होंगे, स्टार्ट होंगे, तो उसमें भी उनके जो नैनी हैं उनके स्पाउस को भी ओपन वर्क परमिट मिलेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो नैनी ऑलरेडी वहाँ वर्किंग है तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें भी ओपन वर्क परमिट मिल रहा है उनके स्पाउस को। तो ये एलिजिबिलिटी है। अगर आपसे कोई एजेंट चार्ज कर रहा है 50,000, 1 लाख या बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो आप ये चीज़ से बचिए कि ऊपर ओपन वर्क परमिट ईजीली मिल जाता है अगर दो एलिजिबिलिटी में आप क्वालिफाई होते हो। तो अगर ज़्यादा जानकारी के लिए www.canadacn पर भी आप जा सकते हो। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हो। तो अगर आपने मुझसे काउंसलिंग लेनी है, अगर आप चाहते हो कि मैम मेरे को काउंसलिंग दे, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो उसकी काउंसलिंग की मेरी फीस होती है, ठीक है जी? वो अगर आप दे सकते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।